ये बताइए, अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे बीजेपी की तरफ से एंड नीतीश कुमार, ये सब सरकारी नौकरियों का आश्वासन दे रहे हैं। कोई कह रहा है 10 लाख, कोई कह रहा है 19 लाख। तो ये जो डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स है, जो नेताओं के भाषण हैं, उनके वायदे हैं, उनमें जो सरकारी नौकरियों की एंट्री है, इससे खुश हैं? कोई उम्मीद बंधी है? एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी लोग इसलिए चुनना पसंद करते हैं, खासकर जनता, कि आराम की नौकरी हमको मिलेगी, एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी सरकारी नौकरी को लेकर, जो यहाँ की लोकल माइंडसेट है। लेकिन कई सारी भर्तियाँ हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, चाहे BPSC की बहाली हो, चाहे SSC की बहाली हो, सब में बड़े स्तर पर घोटाला है। और करप्शन का जो मेन कारण है, कहीं ना कहीं करप्शन हर लेवल पर है, आप छोटे लेवल से देखें, चाहे एक सिलने वाले से लेके बड़े अधिकारी तक, कहीं ना कहीं करप्शन है। अब गवर्नमेंट वादा कर रही है तो अब देखते हैं कि कहाँ तक खरा उतरती है। महागठबंधन, तेजस्वी सरकार वादा कर रही है तो अब देखना होगा कि कहाँ तक दे पाती हैं। लोग क्या लगता है, इस पर अमल होता है सरकार बनने के बाद? ये चीज़ें याद रखी जाती हैं? आप लोग जब, जैसे सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेकर आती हैं चुनाव से पहले, फिर उसके बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, कभी क्या, आप युवा हैं, है ना, तो पढ़े लिखे हैं, कभी क्या मिलान करते हैं कि वायदा ये किया था, वायदे पे अमल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस चीज़ को आप मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखिए। मध्य प्रदेश में जब सरकार बन रही थी तो कर्ज माफ़ी की बात हुई, कर्ज माफ़ी के आधार पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी हुई? नहीं हुई। कमलनाथ जी की सरकार भी चली गई, जो भी खेल बेल हुआ। तो चुनाव में सरकार आने से पहले तरह तरह का लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट एकदम नहीं हो पाता है। बस सरकार, जनता क्या करती है जब इम्प्लीमेंट नहीं होता? तो जनता जब अगली बार वोट देने जाती है तब किस माइंडसेट के साथ जाती है, वो क्या करती है? खास वो सवाल नहीं करती। जनता की बात करेंगे तो देखिए, जनता जात के नाम पर यहाँ वोट करती है, जनता शराब पीकर वोट करती है, और कहीं ना कहीं ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि लोग कहते हैं नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन जनता भ्रष्ट है, जनता करप्ट है, और कहीं ना कहीं नेता या अधिकारी जो भी हैं वो जनता से ही बाहर आ रहे हैं, तो करप्ट जनता है, इसी कारण नेता भ्रष्ट हैं। और हम बाबू बरही इलाके में गए थे, वहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जिस इंसान को वो नमक भात खा रहा है, ठीक है, उसके घर में उसे खाना नहीं मिल रहा, टूटी फूटी है, बरसात होती है, उसका घर टपकता है, कच्चा घर है, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो कह रहे थे अगर कोई नेता, पार्टी कैंडिडेट उसको एक कप चाय भी पिला देता है ना, तो वो जाके उसको वोट दे आता है। कि एक कप चाय, वो बता रहे थे कि 5 रुपये और 10 रुपये में भी वोट बिक जाते हैं। आप बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? बाबू बरही में हमें लोगों ने बताया कि 5 रुपया भी है, तो हमने बोला 5 रुपया पे, तो बोले अरे उनको पता है कि नेता बनने के बाद, चुने जाने के बाद, जीत जाने के बाद तो कुछ नहीं मिलना है, तो अभी एक कप चाय भी मिल रहा है तो वो बहुत है, कुछ तो हाथ आ रहा है। देखिए, चुनाव से एक शाम पहले, जैसे कल वोटिंग है तो आज शाम माहौल बनता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या बिहार स्तर विधानसभा चुनाव हो, एक शाम पहले माहौल बनता है, शराब पार्टी होती है, मुर्गा पार्टी होती है, लोग वोट गिराने चले जाते हैं। ये तो वोटिंग की बात हुई, फैक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो जो कार्यकर्ता नेताओं के पीछे घूमते हैं चुनाव से पहले तक, वो भी 2 समोसे पर 3 समोसे पर, जो बेरोज़गार युवा हैं उनकी रोजी सिर्फ यही है कि नेताजी 2 समोसा खिला देंगे, शाम में चाय नाश्ता हो जाएगा, उसी पर नेताजी के साथ भर शाम बस इतने पे। आपने बाबू बरही की बात की, उसका घर टपक रहा है, सरकारी योजना है कि उसको इंदिरा आवास मिलना है, उसको शौचालय योजना मिलना है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना है, लेकिन उससे आप जब पूछी होंगी तो उसको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला, तो उसने सीधा कहा होगा कि जो स्थानीय अधिकारी जैसे क्वारंटीन में रहने के बोले कि 1800 रुपये 1700 रुपये मिल रहे थे, सरकारी अधिकारी जिसने कागज़ वागज़ फाइल पास की उसने कहा 1000 रुपया दो नहीं तो लिस्ट से नाम काट देते हैं, तो उसको मिला 700, और जो अधिकारी था उसने रखे, या जो भी प्रशासन के लेवल पर था उसने रखे 1000 रुपये, तो बंटवारा तो ऐसा चल रहा है। हर योजना में इसी तरह की हाल है। अब सरकार एक किसानों के, गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज रही है, सीधे पैसे आते हैं, बावजूद लोग अकाउंट से पैसे निकाल नहीं पाते हैं, और उनमें भी अधिकारी, जो लोकल स्तर पर अधिकारी हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, वो पैसा खा लेते हैं।